देश में लगातार बढ़ रही महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ भाकपा की तरफ से पूरे बिहार में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। पार्टी के राष्ट्रीय सचिव अतुल अंजान ने आरोप लगाते हुए कहा कि मोदी सरकार पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है। लगातार बढ़ रहे गैस और पेट्रोल की कीमतें जनता को परेशानी में डाल रही है। निर्णय लिया है कि महंगाई के सवाल पर हम 29 अप्रैल को बिहार के तमाम प्रखंड कार्यालय अंचल कार्यालयों पर घेराव प्रदर्शन जुझारू आंदोलन करेंगे महंगाई के सवाल पर। आप देख रहे हैं महंगाई पूरे देश में है, लेकिन बिहार के अंदर अब पेट्रोल की कीमत, डीजल की कीमत, गैस सिलेंडर की कीमत बढ़ती जा रही है, आसमान छू रहा है। और इसके तमाम महंगाई के विरोध में हम 29 अप्रैल को पूरे बिहार के तमाम प्रखंड अंचल कार्यालयों पर प्रदर्शन करेंगे। हम बिहार के तमाम आम जनता और नागरिक से अपील करते हैं कि इस महंगाई के मार्ग में हमको सहयोग करें। प्रधानमंत्री जी ने बड़े चतुराई के साथ संसद में इन सब चीज़ों की बहस नहीं होने दी। संसद का सत्र एक तरीके से बजट सत्र था, लेकिन बजट में कोई चर्चा गंभीर होने नहीं दी। इकोनॉमिक पाइपलाइंस के बारे में नहीं होने दी, खाली देश बेचो अभियान लगाया गया है। भारत सरकार अब देश बेचो अभियान में लग गई है, और इसलिए हमको लगता है कि सभी समान विचारधारा के दलों को जो नीतियों पर आधारित हो, उन्हें नेशनल एक ऐसा सेव नेशनल फ्रंट बनाने की ज़रूरत है। अगर सेव नेशनल फ्रंट नहीं बनेगा तो देश को बेच देंगे, देश की संपत्तियों को बेच देंगे।